चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ एसी सर्किट ऑफ 20 वोल्ट एंड 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपका लगा हुआ है रेजिस्टर और साथ में इंडक्टर सर्किट में एसी सोर्स के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टर इंडक्टर। तो अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं इसका, VR इधर हो गया, VL इधर हो गया, करंट और VR में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, जबकि VL आगे होता है, वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है इसमें। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो VNet होगा, VNet, और ये आपका VL होगा, और ये फेज डिफरेंस हो गया करंट और अप्लाइड वोल्टेज, VNet अप्लाइड वोल्टेज है। तो अगर आप tan phi की बात करोगे तो tan phi होगा VL अपॉन VR, या इसको आप I से अगर डिवाइड कर दो, यहाँ पे I से डिवाइड कर दो, यहाँ भी I से डिवाइड कर दो, यहाँ भी I से डिवाइड कर दो, तो यही फिगर क्या बन जाएगा, ये VR अपॉन I R बन जाएगा, VL अपॉन I XL बन जाएगा, और मैं अगर इसमें VNet अपॉन I Z बन जाएगा, और ये VL अपॉन I, ये भी VL अपॉन I एक्सेल बन जाएगा, और ये फाई है, तो टेन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेल अपॉन आर, और एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, एल ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। एल की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दिया हुआ, 1/π हेनरी, 1/π कर दिया, ओमेगा की वैल्यू 2π न्यू होती है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ क्वेश्चन में 200 हर्ट्ज, 2π न्यू, न्यू मींस फ्रीक्वेंसी 200, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में 300, तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं, 0 से 0 गया, 2 0 एक पाई से एक पाई गया, 4 ऊपर है और नीचे 3, 4/π, tan phi की वैल्यू 4/3, तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 होगा, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।